हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। और आज हम आ गए हैं बिग बॉस के एविक्शन इंटरव्यू के, और हमारे साथ है गौतम। गौतम, इट्स शॉकिंग फॉर अस टू सी यू आउट ऑफ द बिग बॉस हाउस, क्या बोलना चाहोगे? मैं यही बोलना चाहूँगा यार, मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग था बिकॉज आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, बट ठीक है, इट वॉज अ पार्ट ऑफ द गेम, सो हो गया। क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं, ऑफकोर्स उनके अगेंस्ट रणनीति बनाई जाती है, चीज़ें होती हैं, जो लास्ट नॉमिनेशंस में भी हुआ कि अपनी चीज़ों को बचाने के लिए दूसरे को डाल दिया गया। बट ठीक है, एटलीस्ट आई एम हैप्पी कि आई एम स्टिल द सेम। सो या मैं चेंज नहीं हुआ, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया कि जिसकी वजह से लोग बोले वो बाहर ही ऐसा था, अंदर ऐसा था। सो आई एम स्टिल द सेम, सो या दैट्स व्हाट आई एम हैप्पी अबाउट। पर गौतम, हम आपको टॉप फाइव में देखना चाहते थे बिकॉज आपने बहुत स्ट्रांगली खेला था स्टार्टिंग में, लेकिन आप फर्स्ट मेल कंटेस्टेंट थे जो इविक्ट हुए। डू यू फील कि कहीं ना कहीं आप कमज़ोर पर थे लास्ट टू वीक्स में? आई थिंक कमज़ोर तो नहीं था, बट मेरी जो रियल साइड थी उसको ओवर शेडो कर दिया गया बिकॉज ऑफ अदर थिंग्स, फेकनेस, रियलिज्म, प्यार, फेक दोस्ती, उन सबको उस सब ने ओवर शेडो कर दिया मेरी रियल पर्सनैलिटी को। और आई थिंक मेरे साथ कहीं ना कहीं सौंदर्य भी जुड़ी थी, तो शी वॉज़ वेरी ओवर प्रोटेक्टिव, और वो ओवर प्रोटेक्टिवनेस कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा बैक कर गई। बट क्योंकि मैंने वो ओवर प्रोटेक्टिवनेस उनकी साइड पे नहीं दिखाई बिकॉज आई न्यू शी इज़ एन इंडिविजुअल, शी इज़ वेरी स्ट्रांग, बट वो मेरी तरफ आई इंटेंशली और अनइंटेंशली, बट वो उनका पर्सपेक्टिव था चीज़ों को लेके और मेरा था। बट ठीक है, वट एवर आई डिड रियल एंड ऑनेस्टली, सो या। लेकिन जब आपने कैप्टनसी के लिए जो एक टास्क में सबके राशन कुर्बान किए थे, उधर से ही ये सब स्टार्ट हुआ था ना, जहाँ सभी ही घर वाले आपके अगेंस्ट हो गए थे, डू यू फाइंड कि वो एक डिसीजन आपके लिए भारी पड़ा? नहीं, मेरे लिए हाँ ऑफकोर्स वो कहीं ना कहीं भारी पड़ा, बट मुझे उसका इतना रिग्रेट नहीं है बिकॉज सब अपने लिए खेल रहे थे। मैंने उस समय भी यही बात बोली थी सलमान सर को कि सब अपने लिए खेल रहे हैं और सबको जैसी जैसी अपॉर्चुनिटी मिली है, इवन एक दिन पहले निमृत ने भी अपने लिए ही खेला था कैप्टनसी के टास्क के लिए कि उसने राशन के ऊपर शिव को चुना क्योंकि उसको उससे सपोर्ट चाहिए था। और बट सिर्फ डिफरेंस ये था कि सबको छोटा छोटा मिला और मुझे बड़ा मिला, और मुझे चूज़ करने का मौका मिला तो मैंने वो चूज़ कर लिया। उसी दौरान आपका और साजिद का बहुत सारे झगड़े होते थे ना, साजिद वाज वेरी एंग्री विथ यू, उन्होंने कई सारे बातें बोली जो नहीं बोलनी चाहिए थी, और नो मिडल फिंगर्स ऑल दिखाए। इस पे आपका क्या राय है? आपको लगता है कि बिग बॉस ने उस पे एक्शंस नहीं लिए? ऑफकोर्स उस पे एक्शन नहीं हुए, जो भी बॉटल टूटी, बहुत चीज़ें हुई, अब्यूसिव हुई चीज़ें, बहुत कुछ हुआ, ऑफकोर्स नहीं हुई। बिग बॉस वॉज काइंड ऑफ अ बायस्ड, वो सिर्फ उनके लिए नहीं, और भी दो तीन लोग हैं अंदर, चाहे वो शालीन भनौट हो या जो भी और भी चीज़ें हैं अंदर, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो बायस्ड रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट एवर द रीज़न वॉज एंड बट मैं, वो मेरी रिस्पेक्ट थी टुवर्ड्स हिम कि मैंने फाइट बैक नहीं किया उनसे, इट वॉजंट टू बी इन गुड बुक्स और समथिंग, बट इट वॉज जस्ट अ रिस्पेक्ट बिकॉज आई रियली रिस्पेक्ट हिम फ्रॉम डे वन, और इसलिए मैंने नहीं बोला क्योंकि मुझे पता था एक दो दिन में चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी, और वो हो भी गई, तो इसलिए मैंने उन पर ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिया था। शालीन, आपकी और निमृत की बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग दोस्ती थी, वहीं कई लोगों को लगा कि सौंदर्य की वजह से वो दोस्ती टूटी है, इस पर आप क्या बोलना चाहोगे? इवन निमृत ने भी ये सब बोला है। रही बात मेरी और शालीन की दोस्ती की, तो वो शुरू में थी, लेकिन उन्होंने जो स्टार्टिंग वीक में हरकतें की सौंदर्य के साथ, नोइंग कि आई हैव फीलिंग्स फॉर हर, तो मुझे लगा नहीं कि वो एक रियल दोस्त कर सकता है, तो कहीं ना कहीं वहीं से हम दोनों के बीच में रिफ्ट आने शुरू हुए। और निमृत के साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड था, फॉर फर्स्ट 25 डेज वी हैड अ गुड बॉन्ड, एंड आई वाज ऑलवेज स्टैंड बाय हर एंड शी ऑलवेज स्टूड बाय मी, एंड बट उनको लेकिन कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी ये हो गई थी कि बिकॉज शी वाज काउंटिंग ऑन मी ओनली एवरी टाइम, लेकिन सौंदर्य के आने से उनको ये हो गया कि मेरा टाइम वहाँ ज़्यादा जा रहा है एंड मेरी पहली प्रायोरिटी सौंदर्य बन चुकी हैं देन निमृत, तो उनको अपने आप को सेफ खेलने के लिए उनको किसी और जगह जाना था, तो उन्होंने शिव को चुना, और जो उन्होंने कैप्टनसी के टाइम पे किया तो उससे आई वॉज़ वेरी हर्ट, और उन्होंने मुझे सामने बोला भी कि मैं शिव के सामने क्यों बुरी बनूं, क्योंकि मुझे यहाँ से सपोर्ट मिलेगा। दैट वॉज़ हर गेम स्ट्रैटेजी कि उसको उस समय लोग चाहिए थे जो उसके साथ सपोर्ट करें, क्योंकि उनको एक इनसिक्योरिटी हो गई थी कि गौतम नहीं करेगा, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो उनकी गलत फहमी है, बट मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं था, बट ऑफकोर्स आपको सामने वाले की तरफ से दिखेगा तो आप भी कहीं ना कहीं वो रिएक्ट करेंगे।
आपको लगता है कि निमृत को एक ग्रुप की ज़रूरत है, वो हमेशा एक ग्रुप ढूंढती रहती है, वो इंडिविजुअल प्ले नहीं कर रही है? उसकी इंडिविजुअलिटी कुछ है ही नहीं. मुझे ऐसा लगता है कि शी ऑलवेज लुक फॉर अ सपोर्ट. पहले वो मेरे साथ थी, फिर मेरे सौंदर्य के साथ थी, फिर वो शालिन टीना के साथ गई, और अभी वो 6 लोगों के ग्रुप में चली गई. तो उनको ऐसा लग रहा है कि वो वोट्स बचा बचा के शी विल रीच 11th 12th वीक और टॉप 5 और टॉप 6 व्हाटएवर. बट उनकी तभी उनको पहले वीक जब वो कैप्टन भी बनी उसके बाद से उनको सिर्फ यही बोला जा रहा है कि आपका ओजी कहाँ है, आपका वेयर इज़ योर ओरिजिनल निमृत, वेयर इज़. कल भी उनको बहुत बड़ा लेक्चर मिला सलमान सर से, और उसके लिए वो रीजनिंग ये देती हैं कि बिकॉज शी इज़ नॉट मेडिकली वेल, बिकॉज ऑफ जो भी पास्ट में उनके साथ चीज़ें हुई एंड शी इज़ नॉट ऑन अ मेडिकेशन, तो इस वजह से वो कहीं ना कहीं वो नहीं दिख रही. बट आई थिंक इट्स अ वेरी लेम रीज़न आपकी, क्योंकि जो पर्सनालिटी होती है वो आपकी पर्सनालिटी होती है, वो कोई भी मेडिकल रीज़न उसे कम ज़्यादा नहीं कर सकता. बट या शी ऑलवेज नीड अ सपोर्ट, शी ऑलवेज लुक फॉर अ पीपल कि मैं यहाँ कैसे बच जाऊँ, मैं इससे कैसे बच लूँ, मैं ये क्या कर लूँ. दैट्स व्हाट शी इज़. आपके और शालिनी के कई सारे झगड़े हुए. एक झगड़े में शालिनी ने आपको कहा कि कमज़ोर औरत, इस बात को लेकर कई सारे लोग ने अपोज किया बाहर कि जो शालिनी का ये कमेंट था वो काफ़ी ही बुरा था, वो औरत को कमज़ोर नहीं बोल सकते. इस पर क्या बोलना चाहेंगे? शालिनी ने बहुत चीज़ें ऐसी बोली हैं जो एथिकली वॉजंट राइट, नॉट जस्ट मी टू सौंदर्य ऑल्सो. जब उन्होंने उसके जस्टिफिकेशन कांटा लगा गर्ल और वो सब वो दिखा रहे थे, और मेरा मानना ये है कि इंसान वही बोलता है जो वो अपने बारे में सोचता है कहीं ना कहीं. अभी उन्होंने जो गालियाँ भी दी झगड़ों में, मैंने आज तक नहीं दी गाली. एंड मेरा और हमारा जो चिल्ड्रंस डे पे जो बच्चे भी आए थे जो इमोट कर रहे थे, उन्होंने भी यही दिखाया कि शालिन आता है और उसके बाद डर जाता है. क्योंकि शालिन बनौट को कहीं ना कहीं ये पता था कि जकर मैं घर में रहा तो उनका असली चेहरा धीरे धीरे और सामने आ जाएगा, तो इसलिए उनका सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि मैं नॉमिनेट हो जाऊँ. और जब मैं कल जा भी रहा था तो मैंने उनको यही बोला कि तेरी विश ट्रू हो गई है और मैं जा रहा हूँ. तो अब क्योंकि क्या होता है कि आपको जब पता है कि घर में आप लड़के हो, आपके साथ एक और है जिसको ज़्यादा टेंशन मिल रही है, तो ऑफकोर्स इनसिक्योरिटी आती है. मुझ में वो कभी नहीं थी क्योंकि मुझे अपने आप को पता था, मैं जानता था. और शालिन को जब आपको अपने पे भरोसा नहीं होता तब आप दूसरे को गिराने का सोचते हो, जिनमें से शालिन बनौट है. ओके गौतम, एक सवाल है कि इस बार कई वायलेंस हो रहे हैं, बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं, और सबको ये लगता है कि झगड़े करेंगे तो दिखेंगे, बिग बॉस कुछ नहीं करेंगे, पनिशमेंट्स नहीं मिलेंगे. ये बात को लेकर लोग कंटेस्टेंट काफ़ी ही वायलेंस करते हुए जा रहे हैं, इस पर क्या बोलना चाहेंगे? जैसे कि हमने कल के इंसिडेंट्स देख चुके हैं, वहीं अर्चना शिव का भी काफ़ी बड़ा झगड़ा होता, साजी जी ने ग्लास तोड़ने की कोशिश की थी, बहुत कुछ हुआ है. आई थिंक झगड़े इज़ अ पार्ट ऑफ गेम, और लेकिन वो एक अलग लेवल पे चले गए हैं. क्योंकि जब गाली भी देना शुरू हुए लोग तो उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया बिग बॉस की तरफ से, तो ऑफकोर्स लोग खुल गए. और अर्चना के टाइम पे भी जो चीज़ हुई, अर्चना वापस आई, ऑफकोर्स उसमें अर्चना का कहीं ना कहीं फॉल्ट था बट शिव का भी था. सो हमारा मेन कंसर्न ये था कि अगर अर्चना को गलती की सज़ा मिली है तो शिव को क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि उसने प्रवोक किया एक ऐसी चीज़ के लिए जो कि बिग बॉस के घर का मुद्दा ही नहीं था. और उसके बाद भी अगर वो वापस आई तो सबको ये लगता है कि अब हम झगड़ा करेंगे, हम चीज़ें करेंगे और वार्निंग मिलके छूट जाएगी. तो इवन जो कल स्टैन और उसका भी झगड़ा हुआ, क्योंकि स्टैन ने एक्चुअली चार्ज किया था, वो यहाँ तक आया था उसको मारने के लिए, अगर वो नहीं रोकता तो उसके लग गया था यहाँ पे. तो लेकिन उसके बावजूद भी वार्निंग मिली खाली. तो ऑफकोर्स जब आपको वार्निंग मिलती है और आपको पता आप कर सकते हैं तो आप ज़्यादा खुल जाते हैं, जो आगे भी और देखने को मिलेगा. और आई थिंक कहीं ना कहीं वो बहुत जल्दी साजिद खान से भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ही हैव एंगर इश्यूज़, स्टैन के एंगर इश्यूज़ हैं, तो वो देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं, एक दूसरे को मारना तोड़ना तो दिखेगा यार. ओके आपको क्या लगता है, शालिन और टीना की लव स्टोरी ट्रू है या फेक है? इसे प्योरली फेक यार, मेरे को क्या पूरे घर वालों को लगता है, क्योंकि द वे ही टॉक्स, द वे ही डज थिंग. और उन्होंने सबसे पहले वीक में मुझे बोला था कि तू टीना के साथ ट्राई कर ले और यू नो दिखाने के रिलेशन, तो आज वो ये खुद कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स उनसे क्या ही एक्सपेक्ट करोगी. तो जो इंसान खुद ही रियल नहीं है तो वो क्या रियल प्यार करेगा. तो मेरा मानना ये है, एंड आई थिंक इट्स ऑल फॉर द गेम, पी आर स्ट्रैटेजीज, और देर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स विच आई डोंट वांट टू से, बट या इट्स नॉट रियल. ओके लास्टली वन मैसेज फॉर द ऑडियंस, जिन्होंने ढेर सारा प्यार दिया है आपको बिग बॉस के घर में. मैं यही कहना चाहूँगा यार, आपने आज तक मेरे शोज़ को और इवन बिग बॉस में मुझे बहुत प्यार दिया है, आगे भी देते रहिए, और श्योरली यू विल सी मी डूइंग अमेजिंग वर्क, एंड विल श्योरली यू विल बी मोर प्राउड, एंड या लेट्स गो टुगेदर. थैंक यू गौतम फॉर गिविंग ऑफिशियस टाइम एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू.